हेलो पीपल, हाउ आर यू ऑल? सो टुडेज़ वीडियो इज़ अबाउट ITBI एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट. सो काफ़ी मेरे पास क्वेरीज आनी थी टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे एंड अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे कि ये फॉर्म हमें फिल करना चाहिए या नहीं, इसमें क्या जॉब रोल है और एग्जीक्यूटिव ऑन कॉन्ट्रैक्ट लिखा है तो क्या ये हमें निकाल देंगे 3 साल के बाद में, इसकी सैलरी क्या होगी एंड क्या ये ज्वाइन करना चाहिए. सो काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज थी और तो मैं इन सब का आंसर्स दे रही हूँ आपको इस वीडियो के थ्रू. सो पहले देख लेते हैं कि ये अलग अलग इसमें वैकेंसीज निकली हैं. टोटल वैकेंसीज हैं 1036 की. सो अनरिजर्व्ड की 451 है, EWS की 103 है, OBC की 255 है, ST की 67 है एंड SC की 160 है. सो जो 7 जून है इसकी लास्ट डेट है एंड जो ऑनलाइन टेस्ट है वो 2 जुलाई का है. ठीक है. सो एज इसमें 20 to 25 है और इसमें आपने ग्रेजुएशन करी होनी चाहिए. सो अब आते हैं इसकी सैलरी पर. सैलरी इसकी 29,000 होगी फर्स्ट ईयर की, मतलब जिस जब आप ज्वाइन करेंगे वहाँ से फर्स्ट ईयर तक आपको 29,000 मिलेगा. सेकेंड ईयर में आपको 31,000 मिलेगा और थर्ड ईयर में आपको 34,000 मिलेगा. सो अब पॉइंट आता है कि हमें ये कॉन्ट्रैक्ट पे है तो क्या ये हमें निकाल देंगे, इसकी क्या श्योरिटी क्या है. तो मैं आपको बता दूं कि जो जहाँ पे मैं अभी वर्क कर रही हूँ, आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट मैनेजर, तो जहाँ पे मैं वर्क कर रही हूँ वहाँ पर एक एग्जीक्यूटिव पर लगे थे, मैम थे वो एंड उनको ऑलमोस्ट 8 या 9 साल हो चुके हैं ITBI में एंड उन्होंने एज ए एग्जीक्यूटिव ज्वाइन किया था एंड देन शी बिकेम असिस्टेंट मैनेजर एंड देन शी नाउ शी इज़ मैनेजर. तो आप सोच सकते हैं कि ये कितनी बड़ी जर्नी है. सो हाउ कैन पीपल आर थिंकिंग इवन कि वो निकाल देंगे, ये तो इम्पॉसिबल है. दूसरी चीज़, हाँ, आपको एक एग्ज़ाम पास करना होता है. आप ऑटोमेटिकली ये नहीं बनते हो 3 साल बाद, आपको एक एग्ज़ाम पास करना होता है, उसके बाद आप बन जाते हो. और क्योंकि वो एग्ज़ाम, अगर आप ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम में आप बैठते हो तो वो एग्ज़ाम ऑब्वियसली थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल उसका ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इंटरनल एग्ज़ाम्स. तो ये आपका इंटरनल एग्ज़ाम होगा जिसकी वजह से आप AM बनोगे. और बाकी सैलरी जो इसमें है 29,000, 31,000, 34,000. सो जैसे SBI क्लर्क की सैलरी अराउंड 33,000 है SBI क्लर्क की. तो ये आपको फर्स्ट ईयर में 29 दे रहा है, सेकेंड ईयर में 31 दे रहा है एंड फोर्थ ईयर, थर्ड ईयर में 34,000 दे रहा है. सो ये एवरेज वही सैलरी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जो नॉर्मली एक क्लर्क को मिलती है. सो ये तो चीज़ आई गेस मैंने क्लियर कर दी. अब दूसरी चीज़ ये कि इसको प्रिपेयर कैसे करें, कि लॉजिकल रीजनिंग है, इंग्लिश लैंग्वेज है, क्वांटिटेटिव है, जर्नल अवेयरनेस है. सो जो बाकी जो आप एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो अपने IBPS क्लर्क, IBPS PO, उसी की तरीके का पैटर्न होगा. क्लर्क का एग्ज़ाम है तो लेवल थोड़ा नॉर्मल होगा, बट आप प्रिपेयर अच्छे से करो. और कंपोजिट टाइम है 2 आवर्स का. इसमें आपको अलग अलग और सेक्शंस में नहीं देना है, मतलब आप किसी भी सेक्शन को कितना भी टाइम दे सकते हो. और जनरल अवेयरनेस के लिए अगर ये 2 जुलाई को एग्ज़ाम है तो आपको 3 मंथ्स की जनरल अवेयरनेस तो बहुत अच्छे से आनी चाहिए, लास्ट 3 मंथ्स की जब 2 जुलाई को है उसके अकॉर्डिंग, और उससे पहले के 3 महीने आपके और भी प्रिपेयर होने चाहिए. बट आप उल्टा चलेंगे, जैसे जुलाई है तो सबसे पहले आप जून करना, फिर मई करना, फिर अप्रैल करना, लाइकवाइज. तो इस तरीके से आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे, बट एटलीस्ट 5 महीने का तो आपको करना ही है. सो आई गेस मैंने अपने क्वेश्चंस क्लियर कर दिए हैं. इसमें बाकी नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की, तो इसको आप ध्यान रखना. एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने बताई दी है कि इसमें ग्रेजुएट हो फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी. बाकी रजिस्ट्रेशन हो चुका है इसमें 7 तक. बाकी डॉक्यूमेंट्स 10th 12th की, ये जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग, तो ये मैं इसका अलग से अपलोड वीडियो करूँगी जब आप लोग का ये क्लियर हो जाएगा. सो
और बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। बाकी मैंने आपको बता दिया है, जो काफ़ी लोग सोच रहे थे कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है तो क्या ये हमें निकाल देंगे, तो ऐसा नहीं होता है, ऐसे नहीं निकालता कोई किसी को। और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि आप किसी भी टाइम पर छोड़ सकते हो। मान लो आपको कहीं आपका PO में हो गया, कहीं आपका कुछ भी और अच्छी अपॉर्चुनिटी आई, तो यू कैन स्किप दिस। तो उसमें आपको एटलीस्ट कोई बॉन्ड नहीं है, आपको भरना नहीं है। बाकी किसी भी PO के एग्ज़ाम में जब आप क्वालिफाई करते हो तो 2 साल का बॉन्ड होता है, तो वो उस चीज़ से आप फ्री हो। और अच्छी सोर्स ऑफ इनकम है, 29,000 30,000 मिलना, इट्स अ गुड स्टार्ट। एटलीस्ट एक अच्छा स्टार्ट है आपको इनिशियली। और आई गेस मैंने भी सारी क्वेरीज जो जो आपकी थी वो मैंने ले लिए हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और थैंक यू सो मच।